हेलो टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर गाइस, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो है। टॉपिक का नाम है पैरा वर्चुअलाइजेशन। ये आपके सामने एक फिगर है, इससे हम समझते हैं पैरा वर्चुअलाइजेशन होती क्या है। सबसे पहली बात जो पैरा वर्चुअलाइजेशन की है वो ये आपको समझनी है कि पैरा वर्चुअलाइजेशन में आपके जो गेस्ट मशीन्स हैं, मतलब जो आपके वर्चुअल मशीन्स हैं, उन्हें ये बात पता होती है कि वो एक ही शेयर्ड एनवायरमेंट में वो काम कर रहे हैं। शेयर्ड एनवायरमेंट मतलब वो एक ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर वो एक फिजिकल रिसोर्स को, एक डिवाइस को, फिजिकल डिवाइस को जो कि आपका सर्वर पे पड़ा हुआ है, उसे एक्सेस कर रहे हैं। एंड ये बात उनको पता होती है कि हम शेयर्ड फिजिकल डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं, राइट? कैसे? देखो, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है। एक आपको दिख रहा है मॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका विंडोज हो सकता है, ये लिनक्स हो सकता है, ये उबंटू हो सकता है, राइट? उसके बाद ये मॉडिफाइड मतलब ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, पैरा वर्चुअलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल मशीन में बना रहे हो, मतलब अगर आपकी वर्चुअल मशीन में आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो वो एक मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। मॉडिफाइड मतलब वो आप अपने नॉर्मल जो लैपटॉप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, कंप्यूटर्स में यूज कर रहे हो, उसे यूज नहीं कर सकते, आपको उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब भैया, मॉडिफाई करने के लिए आपको एक चीज चाहिए जिसका नाम है ड्राइवर। ड्राइवर आप अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लगा दोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, ठीक है? बस ये कॉन्सेप्ट हो गया मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ये कम्युनिकेशन होती कैसे है? क्या होता है, मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ड्राइवर लगा हुआ है, जब भी आपके मॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई शेयर्ड डिवाइस चाहिए, कोई फिजिकल डिवाइस चाहिए, क्योंकि उसे तो पता है ये शेयर्ड फिजिकल डिवाइस है, तो क्या करेगा, उसका ड्राइवर हाइपरवाइजर के साथ बात करेगा। हाइपरवाइजर को जो रिक्वेस्ट है वो भेजेगा, कमांड भेजेगा। हाइपरवाइजर पिछले वीडियो में हमने देख लिया इसका क्या काम है, ये वर्चुअल मशीन्स बनाता है, राइट? अब क्या होता है, ये जो ड्राइवर ने इसको रिक्वेस्ट भेजी, उसे हम बोलते हैं हाइपर कॉल। ये हाइपर कॉल हाइपरवाइजर के पास गई, हाइपरवाइजर ने उसे आगे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भेजा। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जहां पर हमारा डेटा सेंटर पड़ा हुआ है वहां का ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे इजीएस्ट भाषा में, जहां पर हमारा डेटा सेंटर पड़ा है वहां के ऑपरेटिंग सिस्टम को होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। अब क्या हुआ, हाइपरवाइजर से होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तक रिक्वेस्ट गई। आगे हमने हाइपरवाइजर की वीडियो में देखा था ना कि जो हमारा वर्चुअल, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर है, इनके बीच में एक ISA होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, हमने पढ़ा था, वो लेयर पड़ी होती है, उस लेयर के साथ आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने होस्ट फिजिकल डिवाइस के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी। यहां पे आपका काम हो गया, जो भी मान लो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए था, जो भी फिजिकल डिवाइस यहां पे चाहिए था, यहां पे वो काम हो जाएगा, वो काम आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगा, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन हाइपरवाइजर पे भेजेगा, एंड हाइपरवाइजर से वो हाइपर कॉल के थ्रू अब रिटर्न हाइपर कॉल जाएगी वापस ऑपरेटिंग सिस्टम में, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका रिजल्ट पहुंच जाएगा, राइट? ये आपको अब इतना समझ में आ गया होगा। इसमें क्या मेन कॉन्सेप्ट आया, हाइपर कॉल, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब कैसे हुआ, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ड्राइवर लगा दिया, ये हाइपर कॉल भेजता कौन है, ड्राइवर भेजता है हाइपरवाइजर तक, हाइपरवाइजर से ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट, वहां से जो भी फिजिकल डिवाइस है वहां से वहां पे ऊपर वापस। अब एक और चीज, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें चल रहा है, सपोज करो कि ये तीनों के तीनों को एट अ टाइम एक ही, एक यहां पे जो फिजिकल डिवाइस है, मान लो ए, ठीक है, ए फिजिकल डिवाइस को एक्सेस करना है, ये तीनों के तीनों को एक ही टाइम पर ए फिजिकल डिवाइस को एक्सेस करना है। अब क्या होगा, इन तीनों में से एक एक वो आएगी, हाइपर कॉल आएगी। अब जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले हाइपर कॉल आई, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हाइपरवाइजर एक्सेप्ट कर लेगा और उसका आगे प्रोसेसिंग कर देगा। उसके बाद दूसरा हाइपरवाइजर, जिसने भी, दूसरे ड्राइवर ने जिसने कॉल भेजी थी, आगे उसका काम होगा। अब इसका हम लोग देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। यहीं से आपका एडवांटेज निकल रहा है कि जो आपका फिजिकल सर्वर के ऊपर फिजिकल रिसोर्सेस पड़े हैं, जो हार्डवेयर पड़ा है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता, वो हमेशा काम में लिया जा रहा है। जैसे हम सीपीयू प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं ना कि हमारा जो सीपीयू, मल्टीटास्किंग का काम ही क्या होता है कि जो हमारा सीपीयू कभी आइडल ना बैठे, वही चीज है यहां पे, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो कभी आइडल नहीं बैठेंगे, उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी पैरा वर्चुअलाइजेशन में। ये हो गया जी इसका एडवांटेज। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी आपको पैरा वर्चुअलाइजेशन के लिए पैरा वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए आपको एकमात्र ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसके बिना आप पैरा वर्चुअलाइजेशन के लिए पैरा वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट नहीं बना सकते। क्या है वो बताओ, शाबाश शाबाश बताओ, उसका नाम है भैया ड्राइवर। ड्राइवर
और अगर ड्राइवर ना हुआ तो हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफाई नहीं होगा. तो इन शॉर्ट आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफाइड यूज में यूज करना पड़ेगा. नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम आप पैरा वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज नहीं कर सकते. दैट इज द ओनली होल एंड सोल डिसएडवांटेज ऑफ पैरा वर्चुअलाइजेशन. सो गाइज इस वीडियो में इतना ही. आई होप आपको समझ में आया होगा. वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. एंड अगली जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे फुल वर्चुअलाइजेशन क्या होती है.